महिलाओं के सुरक्षा हेतु चंदनगर पुलिस कमिश्नरेट का अहम कदम। पिछले दिनों राज्य में एक जघन्य घटना देखने को मिली, जिसमें आरजी कर में एक लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर राज्य समेत पूरे देश, यहां तक के विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है और इसमें हर पार्टी अपने अपने तौर पर राजनीति कर रही है। इस मामले ने एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही अन्य दल जैसे छात्रा हो या डॉक्टर हो या वकील, हर दल अपने अपने तौर पर इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रही। इस मामले ने आज पूरे राज्य को झिंझोड़ कर रख दिया है। हर कोई महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचने लगा है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुगली जिला के चंदनगर पुलिस आयुक्त अमित पी जवालगी के आदेश पर पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गश्त शुरू कर दी है। डीसी चंदनगर अलकनंदा भवल के साथ एसीपी डीडी सुमन चटर्जी, चुंचड़ा थाने के आईसी, महिला थाने के प्रभारी व पदाधिकारी रामेश्वर ओझा ने अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साथ महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए आज बाजारों, अस्पतालों से लेकर गंगा घाटों तक विभिन्न स्थानों पर दौरा किया। उपस्थित अधिकारियों ने अस्पताल की महिला कर्मियों और बाजार में आई महिलाओं, स्कूली छात्राओं, गृहिणियों से बात की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन और संपर्क नंबर देकर ये कहा कि किसी भी समस्या की सूचना तुरंत पुलिस को देने का प्रयास करें और इसके लिए उन्होंने अनुरोध भी किया। आइए देख लेते हैं इस कार्यक्रम को किस तरह से जो है आज चंदनगर में चलाया जा रहा था न्यूज लाइन बंगाल के माध्यम से। Thank you.